मध्य प्रदेश के इंदौर में देपालपुर में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नेत्र शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि शिविर में अनुभाग के पुलिसकर्मियों ने अपनी नेत्रों की जांच करवाई। बता दें कि देपालपुर SDOP ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए थे कि पुलिसकर्मी अपना समय मेडिकल चेकअप नहीं दे पा रहे हैं, समय पर चेकअप नहीं दे पा रहे हैं, तो शिविर लगाया जाए। इससे हमने देपालपुर थाने में एक मेडिकल कैंप लगाया था, इसमें जनरल चेकअप किया गया था। जहाँ पर बड़ी बड़ी आंखों की जो बीमारी है, जैसे रेटिना की जो सर्जरी रहती है, पर्दा खिसक गया, या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी रहती है, जिसको डायबिटीज़ के कारण पर्दे में कुछ चेंजेस रहते हैं, उसकी सर्जरी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, और जैसे आँख तिरछी है, स्क्विंट रहता है जिनको, उसका ऑपरेशन हो जाएगा, या फिर किसी की पलक नीचे गिरी हुई है, उसकी सुधार हो जाता है आँखों में, और जिनको चश्मे उतारने की सर्जरी जो रहती है ना, चश्मे उतर जाते हैं, उसकी सर्जरी भी अपने आप में। आज जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, जो नया हॉस्पिटल इंदौर में खुला हुआ है, उसके सहयोग से डॉक्टर वनिता शर्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ, उनकी टीम द्वारा यहाँ पर नेत्र रोग की स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है, जिसमें सभी प्रकार की आँखों से जुड़े हुए बीमारियों की जाँच की जा रही है, और अगर उसमें कोई समस्या निकलती है तो उसके लिए आगे फर्दर प्रोसीजर कराने के लिए उसमें स्कूल ऑफ आई में जो खुल जाती है।